निधि किचन होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही टेस्टी एंड क्रिस्प हमारे विंटर सीजन में स्पेशल खाए जाने वाले पकौड़े, जिनको बनाना है बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट से बनाकर मैं आपको ये बता दूंगी कि किस तरह से बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। अब इस बाउल में मैं 1 कप के लगभग बेसन ले रही हूँ। अगर आपको और भी क्रिस्प खाना है तो आप इसमें चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से बनाइए। 1 टीस्पून के लगभग मैंने टर्मरिक पाउडर ले लिया है, इसका कलर अच्छा आने के लिए। 1 टीस्पून के लगभग यहाँ पर हम अजवाइन डाल देंगे अपने हाजमे को सही करने के लिए। आप चाहे तो जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाइए तो बहुत टेस्टी लगते हैं। 2 टेबल स्पून के लगभग मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है, जिससे इसका स्वाद बहुत ही दोगुना हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें चिली भी ऐड कर सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद हो। सॉल्ट हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे, जितना हमको पसंद होगा। और ये सब सारे मसाले हमने डाल दिए हैं। चिली पाउडर का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर चिली काट कर या फिर चिली का पेस्ट बनाकर, ग्रीन वाली चिली का पेस्ट बनाकर आप ये डाल सकते हैं। 1 टीस्पून के लगभग मैंने यहाँ पर चिली पाउडर ऐड कर लिया है, रेड वाला। तो अब ये सारे मसाले मैंने ऐड कर लिए हैं। अगर आप इसको और भी चटपटा और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें चाट मसाला या फिर थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा मसाले वाला बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको इस तरह से बनाया है। और इस सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको अच्छी तरह से बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। पकौड़े किसी भी तरह के हों बहुत ही अच्छे लगते हैं, प्याज के हों, आलू के हों, या किसी भी चीज़ के हों, या सिंपल फिर बेसन ही के क्यों ना हो। तो ये हमारा बैटर अच्छी तरह से तैयार हो गया है, अब ये एकदम रेडी हो गया है। हम इसको इंस्टेंट बना रहे हैं, इसलिए हमने इसमें नमक तुरंत ऐड कर लिया है। अगर आप बैटर बना के रखना चाहते हैं तो नमक को ऐड बाद में करिएगा। अब यहाँ पर मैंने 2 स्लाइस अनियन ले लिया है, इनको मैंने लंबा लंबा काट लिया है ताकि पकौड़ों में अच्छी तरह से इसका टेक्स्चर आए। आप चाहें तो अपने स्वाद के अनुसार या इच्छा के अनुसार किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो अब इनको भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। तो अब ये रेडी हो चुका है। अब हमने अपने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें फटाफट से अपने पकौड़े बना लेते हैं। यहाँ पर मैं अपने हाथों से बना रही हूँ, आप चाहें तो स्पून की मदद से भी बना सकते हैं, या फिर जिस तरह से मैं हाथों से बना रही हूँ उसी तरह से आप बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गैस को लो टू मीडियम रखा हुआ है ताकि हमारे जो पकौड़े हैं वो अंदर से भी अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाएं और अच्छी तरह से पक जाएं। सर्दियों के मौसम में पकौड़े बनाना और खाना सभी को पसंद होता है। सभी स्टॉल में पकौड़े मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, घर पर भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए भी इस विंटर सीजन के लिए मैं पकौड़ा रेसिपी लाऊं, जो बहुत ही झटपट से बन जाते हैं। तो अब ये थोड़ा थोड़ा सा पक गए हैं, इनको अच्छी तरह से हम पलटा लेते हैं और पलटा पलटा कर अच्छी तरह से हम इनको क्रिस्प होने तक सेक लेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारे पकौड़े सिक चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इनमें कलर आया है। तो हम इनको निकाल लेते हैं। तो हमने निकाल लिया है अपनी प्लेट पर हमारे पकौड़े। ये देखिए कितना बढ़िया क्रिस्प और कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। तो कैसे लगे आपको ये पकौड़े, आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक भी करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी आगे की भी अपडेट मिलती रहे। इसी तरह से मेरी रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।